SBS के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है प्रकाश प्रदूषण उभरती समस्या। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने अपने शोध में इस बात की पुष्टि की है कि बढ़ता हुआ शहरीकरण, नई स्ट्रीट लाइट्स लगाना, सुरक्षा फ्लड लाइट्स और सजावटी प्रकाश जैसी व्यवस्थाएं प्रकाश प्रदूषण को बढ़ावा देती हैं। अध्ययन के अनुसार यह प्रकाश प्रदूषण रात्रिचर प्राणियों की जीवन शैली में बदलाव का मुख्य कारण बन रहा है। आइए अब इस प्रकाश प्रदूषण और इसके प्रभाव के बारे में जानते हैं। कृत्रिम प्रकाश का अत्यधिक मात्रा में उपयोग किया जाना प्रकाश प्रदूषण कहलाता है। रात के समय भी प्रकाश की चकाचौंध प्रकृति के नियमों के प्रतिकूल मानी जाती है। अत्यधिक प्रकाश प्रदूषण के परिणामों में रात में आकाश के तारों की चमक का धूमिल होना, खगोलीय अनुसंधानों में बाधा, पारिस्थितिक तंत्र का भंग होना, ऊर्जा की बर्बादी तथा स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव को शामिल किया जाता है। रॉयल कमीशन ऑन एनवायरमेंटल पोल्यूशन ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि जीव प्राकृतिक प्रकाश के उतार चढ़ाव से प्रभावित होते हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रकाश का स्तर जीवों के भोजन, गतिविधि, उद्भव, मौसमी प्रजनन, प्रवास और हाइबरनेशन जैसी क्रियाओं को प्रभावित कर सकता है। इसलिए रात में कृत्रिम प्रकाश की उपस्थिति वन्य जीवों के जीवन और उनके व्यवहार को प्रभावित करती है। कृत्रिम प्रकाश द्वारा वन्य जीवों के विचलित होने का उदाहरण हम अक्टूबर 2020 में फिलाडेल्फिया में घटी घटना के रूप में देख सकते हैं। इस घटना में हजारों प्रवासी पक्षियों की इमारतों से टकराने से मौत हो गई थी। कृत्रिम प्रकाश मनुष्यों की सर्केडियन लय यानी शरीर की आंतरिक घड़ी को भी बाधित करता है। इससे मनुष्य में कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह, मोटापा और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जैसे रोगों का खतरा पैदा हो सकता है। आइए अब प्रकाश प्रदूषण के घटकों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चकाचौंध की। वह अत्यधिक चमक जो दृष्टि सीमा में रुकावट पैदा करती है चकाचौंध कहलाती है, जबकि प्रकाश का उस जगह पर होना जहाँ उसकी जरूरत न हो प्रकाश अतिचार कहलाता है। आवासीय इलाकों में रात में आकाश में उच्च स्तरीय चमक का होना स्काई ग्लो कहलाता है, जबकि भ्रमित करने वाला कई प्रकाश स्रोतों का समूह क्लटर कहलाता है। आइए अब इसके समाधान के उपाय पर नजर डालते हैं। प्रकाश प्रदूषण कृत्रिम प्रकाश की विघटनकारी उपस्थिति है जिसे नियंत्रित करने की जरूरत है। रात के समय अनावश्यक प्रकाश को बंद कर दिया जाना चाहिए ताकि जानवरों को प्रकाश प्रदूषण का कम से कम सामना करना पड़े। हालिया अध्ययन से पता चला है कि शहरों में प्रकाश प्रदूषण को कम करने से कार्बन उत्सर्जन में कमी आने के साथ साथ जैव विविधता के नुकसान से निपटने में भी मदद मिलेगी। आइए अब इससे संबंधित शोध और निष्कर्षों पर बात करते हैं। रात्रि काल में होने वाले कृत्रिम प्रकाश ने सीधा जानवरों की दृष्टि क्षमता को प्रभावित किया है और वर्तमान में इस कृत्रिम प्रकाश का दायरा बढ़ता जा रहा है। इन रात्रिकालीन जानवरों के लिए दिशा निर्देशन का कार्य आकाश गंगा में चमकते तारे ही करते हैं, जो कि प्रकाश प्रदूषण के चलते कहीं ओझल हो जाते हैं। इन्हीं कारणों को जानने के लिए दक्षिण अफ्रीका के दो अलग अलग क्षेत्रों के भृंगों यानी बीटल्स पर वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया। निष्कर्ष रूप में उन्होंने पाया कि शहर के बीटल्स कृत्रिम प्रकाश की ओर आकर्षित हो रहे हैं। आइए अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। ए कथन, प्रकाश प्रदूषण रात्रिचर प्राणियों की जीवन शैली में बदलाव का मुख्य कारण बन रहा है। बी कारण, प्रकाश का स्तर जीवों के भोजन, गतिविधि, उद्भव, मौसमी प्रजनन आदि क्रियाओं को प्रभावित कर सकता है। आपको दिए गए कूट से इस प्रश्न का सही उत्तर खोजना है। एक कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। दो कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता। तीन कथन सही है लेकिन कारण गलत है। और चार कथन गलत है लेकिन कारण सही है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलेंगे फिर किसी नए इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।